अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वी आर फाइनली बैक विद अनदर क्रिकेट एंड कॉमेडी वीडियो एनालिटिक्स। और एशिया कप स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में, जो कल पाकिस्तान का मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, उसके बारे में बात करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी के बारे में बात करेंगे। तो जिस जिसने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो फॉरन ऑन टाइम मिले। क्योंकि अब एशिया कप स्टार्ट हो गया, तो अब हर मैच के बाद इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, और फिर आगे वर्ल्ड कप भी, तो बड़ा बिजी शेड्यूल होने वाला है क्रिकेट वीडियो के हवाले से। तो काइंडली 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं हम एशिया कप की जानिब। तो एशिया कप की सेरेमनी हुई है, आपने देखा होगा माशाल्लाह से, कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क जो नेपाल से आए हुए थे, उनकी खातून ने भी अपना कल्चरल ड्रेस पहन के परफॉर्म किया, और हमारी एक खातून थी, उन्होंने भी अपना कल्चरल ड्रेस पहन के परफॉर्म किया। अच्छा, उनका कल्चरल ड्रेस जो था वो था वेस्टर्न। अच्छा, वो पाकिस्तानी नहीं आएगा। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ना तो खैर मसला नहीं है, खैर उन्होंने परफॉर्म कर दिया, मसला नहीं है। हमें क्या, हमें तो देखना है मैच, मैच देखा हमने, मैच देखने में बड़ा मजा आया। क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट करा मैच देखना, तो हमें हार्ट अटैक मिलना स्टार्ट हो गया भाई मैच के साथ साथ। क्यों? क्योंकि हमारी तो 100 के अंदर अंदर 4 आउट हो गए। हमने बोला ले भाई ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस। नो गॉड प्लीज नो नो। बट फिर हमारे किंग मिस्टर बाबर आजम आए, और उन्होंने इनिंग को संभाला, क्या खूबसूरती से संभाला सर, जबरदस्त हो गया। और उसके बाद जो इफ्तिखार सर ने हमारे आके इनिंग खेली बाबर आजम के साथ, टारगेट हमने बड़ा बेहतरीन बना दिया था। 342 इज अ बिग टारगेट फॉर नेपाल टीम, बट दिस इज जस्ट नेपाल टीम। पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का मैच तो हो रहा था, लेकिन आपको पता है पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी किसको सपोर्ट कर रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था कि नेपाल ने अच्छा डेब्यू किया। लेकिन कुछ लोग थे जो बस उनको लगता है कि जहाँ ब्लू शर्ट आ जाती है ना, बस वो उनकी हो जाती है। तो नेपाल ने भी ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और बेचारे बैठ गए, वी आर सपोर्टिंग टू नेपाल। वो शायद कोई दूसरे गोला से आए थे, उनको पता नहीं था पाकिस्तान की टीम और नेपाल की टीम का। बट उनको पता है, उनको उनको बस ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना है, पाकिस्तान जैसी भी टीम होगी उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना है। और फिर वो मुंह की खा के बैठे हुए थे, और बाद में बोल रहे थे बाबर आजम तो ये, तो शाहीन, तो फलाना, तो फलाना। अबे भाई तुम लोग क्रिकेट एक्सपर्ट हो, तो एक्सपर्ट वाली बातें करो ना, तुम लोग भी तो वाली बातें करो कि भाई पाकिस्तान है तो बस दूसरी टीम जो भी है उसने हराना है। अफगानिस्तान के उठा लेते हो, पहले अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान खेला, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की इतनी राइवलरी नहीं होती जितनी ये लोग बैठ के बना देते हैं। ये लोग बैठ के जितनी बना देते ना राइवलरी बैठ के, वो कम ऑन अफगानिस्तान, कम ऑन अफगानिस्तान। अबे अफगानिस्तान के तुम क्यों मुंह में ले रहे हो भाई? आप इंडिया को सपोर्ट करो ना, आप मैच को सपोर्ट करो, आप क्रिकेट को सपोर्ट करो। आपने देखा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच, अफगानिस्तान कम ऑन अफगानिस्तान। आपने देख लिया पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का मैच, कम ऑन नेपाल, कम ऑन नेपाल। भाई अब क्यों बनाते हो तुम क्यों बनाते हो? तुम अपने इंडिया पे भरोसा नहीं है क्या? अपने इंडिया पे भरोसा रखो भाई, इंडिया को सपोर्ट करो। वरना अगर दूसरी टीमें खेलनी है, तो उसमें जो अच्छी टीम है उसको सपोर्ट करो। ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट आ गया, तो बस हम तो उसके अगेंस्ट है जो उसके साथ है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है। भाई बड़े हो जाओ यार, बड़े हो जाओ, क्रिकेट एक्सपर्ट हो तो क्रिकेट एक्सपर्ट वाली बातें करो। तो मजा आया मैच देखने में काफी, बाबर आजम को देखने में मजा आया, इफ्तिखार अहमद को देखने में मजा आया। लेकिन मजा जो नहीं आया, वो इस वजह से नहीं आया कि हमारे जो ओपनर थे वो थोड़े से आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। तो उनके लिए हमें बड़े कंसर्न हैं, क्योंकि फखर जमान अगर ओपनिंग में अच्छा नहीं करते, तो हम आगे बड़े मैच में बड़ा फंस सकते हैं। क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैच तो है ही बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ है, तो उसमें अगर हमारे ओपनिंग प्लेयर्स, इमाम तो अच्छे चाह रहे हैं, इमाम तो रन आउट हो गए थे, अनलकी रह गए थे, लेकिन फखर जमान को परफॉर्मेंस करनी होगी इंडिया के खिलाफ। और उनका रिकॉर्ड भी एक है कि वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर देते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि इंडिया के खिलाफ वो परफॉर्म करें। लेकिन उनको अपनी फॉर्म में आना होगा, दिस इज वेरी नेसेसरी। इमाम उलक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, वो अनलकी आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे। रिजवान भी बहुत ही अलग किस्म से रन आउट हो गए थे, वो बॉल को भी नहीं देख रहे थे, पता नहीं क्या कर चाह रहे थे, वो समझ में नहीं आया कि वो पिच में आ गए थे लेकिन पिच से फिर भी बाहर थे, हवा में उड़ रहे थे, पापा की परी बने हुए थे। बच्चों वाला जो होता है ना, बच्चों वाला रन आउट हो गया, मना इंटरनेशनल खिलाड़ी इस तरह से करते नहीं, पता नहीं क्या मसला था। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो थ्रो से डर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनका फोकस आउट हो गया, या वो क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, या उन्होंने थ्रो फेंकने वाले को हल्का ले लिया कि यार मसला नहीं, थ्रो कौन सा लगता है। जैसे इमामुल हक ने बड़ा इजी ले लिया था थ्रो करने वाले को, तो उनके बड़े दो दो रन आउट हो गए। ये बड़ा एक बुरा इंपैक्ट जाता है कि एक टीम में, एक मैच में दो दो खिलाड़ी रन आउट हो जाए, और दो आपके प्रॉपर बैट्समैन, एक होता है वो भी फर्स्ट इनिंग में, एक होता है सेकंड इनिंग में, रन टारगेट चेस कर रहे हैं तो स्कोर लाजमी लेना है, तो उसमें चलो फर्स्ट के रन आउट हो गए। लेकिन आप फर्स्ट इनिंग थी, पहले बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान नंबर वन टीम, नेपाल सबसे समझ लो इस वक्त उसका इंटरनेशनल में डेब्यू हो रहा है, तो उसमें आप इतना कंफ्यूज होकर दो दो रन आउट हो गए, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़, इस चीज़ पर पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम जब बॉलिंग पे आए, तो बॉलिंग पे तो आपको पता है शाहीन सर का पहला ओवर निकालना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, बड़ी बड़ी टीमों के लिए मुश्किल होता है सर। ये तो फिर नेपाल थी, तो वही बात थी, रिदम उनका थोड़ा सा हल्का लग रहा था, नो डाउट। बट उन्होंने अपनी जो उन्होंने एक दो बोले करनी होती है ना बिल्कुल आगे, और विकेटों में वो उन्होंने की, उस पर विकेट मिली। पहले ओवर में दो विकेट लेकर नसीम शाह साहब भी आए, उन्होंने भी विकेट लेकर फिर उनको 3 विकेट के बाद थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दिया उनके बैट्समैन ने, नेपाल के बैट्समैन ने। बट लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी बॉलिंग का प्रेशर बड़ा अच्छा होता है। शादाब भाई फॉर्म में आ गए, बड़ा अच्छा लगा, काफी दिनों से वो बॉलिंग में फॉर्म में नहीं थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बैटिंग तो वो अच्छी कर रहे थे लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा वो
प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, रिदम में नहीं लग रहे थे, अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। आपको पता है हर किसी का टाइम आता है, ऊपर अप्स एंड डाउन आते हैं, तो उनका हो गया था। लेकिन अच्छा लगा कि वो अपने फॉर्म में आ गए, उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, उसके अलावा हारिस रऊफ ने 2 विकेट लिए, तो पाकिस्तान बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीत गया और अच्छा कॉन्फिडेंस रहा। हमने अफगानिस्तान को 3 मैच हराया, उसके बाद टॉप पे आ गए हम लोग। अब हमने ये पहला मैच नेपाल के साथ खेल के उनको भी हरा दिया, अब सेकंड मैच हमारा होगा इंडिया के साथ, तो वो एक बड़ा मैच होगा, देखने में मजा आएगा और उसमें इंजॉयमेंट भी होगा। तो पता है फिर कौन जीतने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते हैं क्या होता है उस मैच की, क्योंकि उस मैच की तो हाई भी हाई पे भाई, हाई भी हाई पे, हाई भी हाई पे। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी अपने पन के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।